दहिसर पश्चिम स्थित गणपत पाटिल नगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई अध्यक्ष मनीष दुबे द्वारा जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह के हाथों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर फहमीदा हसन शेख, अनिल गायकवाड़, विजय सिरोडकर सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हजारों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इंद्रपाल सिंह ने मनीष दुबे के इस कार्य की सराहना की। उन्होंने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह जनसंपर्क कार्यालय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का संपर्क कार्यालय लोगों की हितों और उनकी समस्याओं का निदान करने हेतु वार्ड क्रमांक एक में यह स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने ऐसी जगह से शुरुआत की है जो निश्चित ही उनके मतदाता है और मतदाता मिलनी चालू है। 25 लोगों के लिए मतदाता बनाएंगे और ये सारे लोग गणपत नगर को नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट ने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं, सभी सुने हुए हैं। और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एकमात्र कैंडिडेट मनीष दुबे जी है, यहाँ पे उन्होंने ऑफिस खोल के अपना बिजली बढ़ा दिया है और अपना इलेक्शन का प्रचार शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि यहाँ की समस्याओं से जिस तरह से वाकिफ है और जिस तरह से यहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं, डेफिनेटली यहाँ के लोग उनको मत देंगे। और ये कार्यालय का जो आज आरंभ हुआ है, ये कार्यालय एक अच्छा कार्यालय के रूप में जाना जाएगा और ये एकदम प्रसिद्ध होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने उन्हें पिछले मीटिंग में कहा, जैसे उन्होंने शाखा बनाई है, कोई लीगल जगह पर नहीं बनी है, जहाँ उनके जगह लीगल शाखा बनाई है, तो वो अगर वो कर सकते हैं तो हम जो नहीं कर सकते। और हम लोगों ने भी हर वार्ड में एक ऑफिस बनाना चाहिए, ऐसा आदेश हमको माननीय शरद चंद्र पवार साहब का आया है और उस आदेश का पालन आज मनीष दुबे जी ने किया है। ये काफी अच्छा जो उसकी मेरी गरीबी के काम आ रही है, मैं उसकी तारीफ करूंगा। ये शुरू तो किया है, क्योंकि शुरू करना और उसको कामयाब रखना उसमें अंतर है। इसी तरह से आगे भाड़े ना बढ़ाए, जो भाड़ा है इलेक्शन के पहले का भाड़ा है वो इलेक्शन के बाद भी रहना चाहिए। फहमीदा हसन ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि इस जनसंपर्क कार्यालय को लोगों की भलाई के लिए बनाया गया है। सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगी कि मनीष दुबे ने इसका उद्घाटन आज किया है, लेकिन करीबन 2 साल से गणपत पाटिल नगर की जो समस्याएं हैं, जैसे कि अभी ये बारिश का सीजन है, तो बारिश में जब यहाँ पानी भर जाता है तो रोडी डलने लगे काम, फिर बच्चे अगर बीमार पड़ते हैं, यहाँ 2-3 केसेस भी ऐसे हो गए कि बड़े बड़े पुलिस स्टेशन का जो मसला है, वो भी सारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जितने कार्यकर्ते हैं वही मिलकर करते हैं। बीच में बिजली का बड़ा इश्यू आया था, उस टाइम पर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गणपत पाटिल नगर की जनता के पीछे खड़ी थी। अभी जैसे कि त्वरित कार्रवाई ये साल में जब करने आई पुलिस, जब मनीष भैया हमारे खड़े थे गणपत पाटिल नगर के अंदर, अभी हम लोगों ने गणपत पाटिल नगर के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके गए थे, क्योंकि यहाँ की जनता की एक ही समस्या, उनके पास वो सारा डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी जब आप लोगों ने उनको वोटिंग राइट्स दिया है, जब यहाँ की जनता के वोट काम आ सकते हैं तो उनको मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिलती है। यही सवाल हमारा गोपाल शेट्टी जी से भी है, यही सवाल हमारा मनीषा चौधरी जी से भी है कि जब उनको वोट के लिए यूज करते हैं तो आप उनको मूलभूत सुविधा जैसे कि वाटर गटर मीटर वो यहाँ क्यों ऑनलाइन कराई जाती है। इसके लिए बार बार हम उनका जो प्रॉब्लम है वो लेके जाते हैं। अभी जयंत राव पाटिल हमारे जो प्रांत अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट जमा करके संसद में भी इसका प्रश्न उठाया था कि यहाँ की जनता की जब वोट लेके अगर हम यहाँ के एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, तो फिर यहाँ की जनता को लाइट और पानी इसके बारे में उन्होंने लेटर भी वहां से इश्यू किया। बहुत ही जल्दी जो सारी सुविधाएं मिलेगी और मैं मनीष भैया को यही आशा करती हूँ कि मनीष भैया अगर ये बार अंदर भी की टिकट यहाँ से हम देने वाले उनको, तो अगर वो चुन के आते हैं तो ये सारी समस्याओं का सुविधा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जब से बनी गणपत पाटिल के रूप में
हम सब साथ में इकट्ठा होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से जो संघर्ष करते हैं, जो यहाँ पुराने लोग हैं, कभी वो पानी की समस्या हो तो टैंकर के रूप में, कभी सड़क कार्रवाई की समस्या हो तो वो सामने पत्थर उठा के बीएमसी का विरोध करने के रूप में, या फिर यहाँ कभी दूसरे पॉलिटिशियंस ने अगर इस गणपत पाटिल नगर को अपने वोट बैंक समझ कर इसके वोट लेकर जाकर और इसमें जो किसी गरीब का घर बनता है, उस गरीब का घर बनने के नाम पर जो किसी गरीब को कई गुंडे इकट्ठा होकर उसकी जगह छीनने का काम करते हैं, तो इन गुंडों के बल पर जो पार्टियों ने अलग अलग काम किए हैं, ये कंप्लेंट्स बहुत आते थे। इसी वजह से इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रवादी के मनीष भाई ने जो ये ऑफिस का उद्घाटन किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मीडिया के माध्यम से यहाँ जो जनता की समस्याओं का बेहतरीन तरीके से निवारण होगा, इस वजह से आज ये ऑफिस का उद्घाटन किया है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा से गणपत पाटिल नगर के पीछे खड़ी थी। यहाँ से हमारा कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा था कभी भी, लेकिन हमारे सारे कार्यकर्ता इस गणपत पाटिल नगर के लोगों की समस्या के लिए हमेशा खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। मनीष दुबे ने लोगों से रूबरू होते हुए कहा कि यहाँ पर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और इसे पूरी तरह से निवारण करने की कोशिश की जाएगी। नमस्कार, मैं गीता और आप देख रहे हैं तो जैसे कि आज हम बैसल स्थित गणपत पाटिल नगर में आए, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मनीष दुबे ने अपने जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया हुआ है। और यहां पर जितने भी जो भी यहाँ के रहवासी है, जो भी यहाँ की मूलभूत समस्या है, जैसे की पानी, गटर, जो भी समस्या है, वो अपनी समस्याओं को लेकर मनीष दुबे से संपर्क कर सकते हैं और हर तरीके से वो लोगों की समस्याओं को दूर करने का उन्होंने वादा किया है। चलिए हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके का वादा किया है। माननीय प्रांताध्यक्ष जयंत पाटिल साहब के मार्गदर्शन में और हमारे आदरणीय नेता हमारे सबके भाव सचिन भाई के नेतृत्व में आज मुंबई शहर में भैंसर विधानसभा में वार्ड क्रमांक 1 में हमारे वार्ड अध्यक्ष अनिल वर्मा जी, भैंसर के कार्य अध्यक्ष इश्तियाक खान जी, अक्षय सरोज जी, रिजवाना जी और तमाम हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जी जिला के इस तालुके के निरीक्षक जितेंद्र गुप्ता जी, सौरभ तिवारी जी, हमारे यहाँ के वरिष्ठ सालवी साहब, हमारे मोहन सरोज जी, तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी मैं आज यहाँ पे सब लोगों ने बढ़ चढ़ के मौके पर यहाँ पे आए। यहाँ पे जिला अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह के हाथों से, सुनीता जी के खान की उपस्थिति में अनिल गायकवाड़ जी, विजय दादा सेलकर के हाथों से आज अनिल वर्मा के ऑफिस का उद्घाटन हुआ। विगत पिछले कई सालों से गणपत पाटिल नगर समस्याओं से रूबरू हो रहा है और यहाँ की आमदार मनीषा पाल चौधरी के माध्यम से यहाँ पे नाम विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ किया नहीं गया। आज यहाँ पे न गटर है, न पानी की व्यवस्था है, न यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, किसी तरह की सुविधा नहीं है। और जब बीएमसी का मन करता है थोड़ा कार्रवाई करने के लिए तो बुलडोजर लेके यहाँ पे गणपत पाटिल नगर में आ जाती है, तो उसका विरोध करने के लिए और कहीं ना कहीं यहाँ के नागरिकों को समस्याओं को दूर करने के लिए और उनके बीच में रह के उनकी समस्याओं को अच्छी तरह समझ के दूर करने के प्रयत्न के सबसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वार्ड क्रमांक 1 यहाँ पे ऑफिस का उद्घाटन हुआ। और मैं यहाँ के सभी नागरिक को आश्वासन दूंगा ही, साथ ही बैसल विधानसभा के प्रत्येक वार्ड में आने वाले प्रत्येक संघ को हर वार्ड में एक ऑफिस का उद्घाटन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से होगा। और बीजेपी सरकार के माध्यम से, शिवसेना भाजपा की सरकार के माध्यम से आज मुंबई शहर में बैसल विधानसभा में जो विकास की धारा रुकी हुई है, उसको कहीं ना कहीं विकास के रास्ते पर लाने के लिए और जो अनगिनत समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए उस उद्देश्य से हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे ऑफिस का उद्घाटन किया। और मैं आश्वासन दूंगा यहाँ पे आने वाले हमारे ऑफिस में कोई भी अगर आदमी दुखी आता है तो यहाँ से निकलने के बाद उसकी समस्याओं को हम लोग पूरी कोशिश के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरी तर्मनीयता से उसको दूर करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और कटिबद्ध होने के साथ साथ हम लोग उनको विनती करेंगे कि आप किसी से भी कोई भी खौफ करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक कार्यकर्ता आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए कटिबद्ध है। और मीडिया के माध्यम से मैं आश्वासन देना चाहूंगा लोगों को कि आपकी समस्याओं का आज तक जो था उसका अंत हुआ है। अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। देश का 5 रुपया उन्होंने किराया जो किया, मुझे समझ में नहीं आता, हजारों करोड़ रुपए के नुकसान में चलने वाले बीएसटी अचानक 5 रुपए किराए में कैसे आ गए? डीजल का भाव प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जनता को ये समझ में आ चुका है कि लोगों को चुनाव आ रहा है बरगलाने की, उन लोगों की साजिश है। और उसके साथ में अगर 5 रुपया देश का किराया होगा तो जो लाखों की मात्रा में उन्होंने रिक्शे का परमिट बांटा हुआ है, जो 15-18 हजार में रिक्शे का परमिट बांटा है, तो परमिट में जो रिक्शा 2-2.5 लाख रुपए जो हमारे रिक्शा ड्राइवर वो कहाँ जाएंगे?
अगर आपको 5 रुपया किराया करना तो आपको परमिट नहीं बांधना था। एक तरफ आप एक प्राइवेट कंपनी को बजाज जैसी कंपनी को जो रिक्शा बनाने वाली कंपनी उनको 2-2 लाख रुपए में लोगों से रिक्शा खरीदवा रहे, और एक तरफ बेस्टी के माध्यम उनके सामने आप कंपटीशन खड़ा कर रहे। तो आपको ये समझने की जरूरत है। और बेस्ट में जो नए बस लिए जा रहे हैं वो बस किसके हैं? वो भी प्राइवेट जो बस ले गए का कॉन्ट्रैक्ट करना है वो भी शिवसेना और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के बस है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे मुंबई की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है। और जिस दिन इलेक्शन खत्म होगा उस दिन भाड़ा अपने आप उसी जगह पर हो जाएगा, क्योंकि डीजल की इस महंगाई के दौर में 5 रुपये भाड़ा पड़ेगा ऐसा जो करोड़ों के घाटे में चले बेस्टी। तो पब्लिक को ये समझ में आ चुका है। और आज मैं बांद्रा वगैरह में देखा कि बेस्टी के कंडक्टर लोग खड़े होकर अपने हाथ में बोर्ड लेके 5 रुपया भाड़ा 5 रुपया भाड़ा और यहाँ पे आइए। आज किसी को मुंबई शहर में समय का अभाव है, किसी को यहाँ से गणपत पाटिल नगर से अगर बस का इंतजार करेगा दहीसर स्टेशन जाने के लिए उसको 1.5 घंटा लगेगा, यहाँ से रिक्शे से जाएगा तो उसको 10 मिनट लगेगा। तो आदमी ये सोच चुका है कि भले से 2 रुपया ज़्यादा जाएगा लेकिन रिक्शे से जाना ईजी है, सुगमता है और जल्दी हम पहुँचेंगे। और बेस्ट की लाइन में लगा के धक्का खाते हुए जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बेस्ट के माध्यम से उनको कुछ फायदा होने वाला है। कैमरा पर्सन आशीष पटेल के साथ गीता यादव, मेट्रो मुंबई।